राष्ट्रीय लोक दल यानी कि रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने इंडिया गठबंधन को झटका देते हुए सोमवार को ऐलान किया कि उनकी पार्टी ने एनडीए के साथ जाने का फैसला लिया है। अब एनडीए में शामिल होने की अटकलों के बीच चौधरी ने कहा कि पार्टी के सभी विधायक से चर्चा के बाद एनडीए में शामिल होने का फैसला लिया गया। जयंत चौधरी ने विधायकों की नाराजगी पर कहा कि हमने हमारे सभी विधायकों से बातचीत कर ली है, हमारे सभी विधायक और कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। वहीं जयंत चौधरी ने साफ कहा कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से नवाजा गया है, ये मेरे लिए और मेरे परिवार और किसान समुदाय के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। वहीं पश्चिमी यूपी को जाट किसान और मुस्लिम बाहुल इलाका माना जाता है। यहाँ लोकसभा की कुल 27 सीटें हैं और 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 19 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि 8 सीटों पर विपक्षी गठबंधन ने कब्जा किया था। इनमें 4 सपा और 4 बसपा के खाते में सीटें आई थी, लेकिन आरएलडी को किसी सीट पर जीत नसीब नहीं हुई। यहाँ तक कि जयंत को पश्चिमी यूपी में जाट समाज का भी साथ नहीं मिला था। यही नहीं, 2014 के चुनाव में भी जयंत को निराशा हाथ लगी थी और एक भी सीट नहीं मिली। ऐसे में जयंत चौधरी का एनडीए के साथ जाना क्या सही फैसला होगा, ये समझ से परे है। लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ भी अगर उनका फैसला जाता तो शायद इस बार भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता। जयंत चौधरी ने लहर को देखते हुए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।